अब आता है अपने टर्म क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा नाम से ही लग रहा है क्रिस्टल फील्ड, इसका मतलब ये थ्योरी जो गिवन थी बेसिकली कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं दे रखी थी, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए दे रखी थी और उनको ये डिफाइन कर रहे थे। जैसे कुछ कलर्ड स्टोन होते हैं क्रोमियम के, रूबी है, ये सब है, तो उनका कलर क्यों आता है तो उनके लिए ये थ्योरी दे रखी थी, लेकिन वो अप्लाई करती फिर हमने कॉम्प्लेक्स में भी क्योंकि ये यहाँ पे भी फिट बैठती थी, इसलिए जो टर्म है अभी भी हम यूज करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ठीक है ना। अब नाम से लग रहा है मेटल और नॉन मेटल के जो कंपाउंड है वो जनरली हम क्या मानते हैं आयनी कंपाउंड, उसका बेस वही था। तो इसने क्या कहा मेटल और लिगेंड जब आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होता है, प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होता है, यहां पे कोई तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मतलब ये थ्योरी कहती है हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि भाई जो मेटल होता है मेटल को इसने माना कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज मेटल है और उसके साथ में लिगेंड आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे ये भी अपने पास क्या हो गया आयन है, ये भी क्या अपने पास आयन है, तो ये आपस में क्या करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएंगे तो ये क्या होगा आयनिक इंट्रैक्शन। तो मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली क्या होता है आयनिक इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास कोई भी लिगेंड, मान लो मेरे पास कोई भी लिगेंड है, अगर मान लो न्यूट्रल हो जाए, अपने को पता है बहुत सारे ऐसे लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, तो ये जो एम है ये यहाँ पे प्लस एन है और लिगेंड मान लेते हैं अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया ऐसा होता है और आपको पता है अमोनिया में यहां पे क्या होता है बताओ पार्शियल नेगेटिव और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये मेरे पास क्या होता है एक तरह से डाइपोल हो गया और यहां पे कौन है अपने पास आयन, तो ये एक तरह का आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा इंट्रैक्शन, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन यहां पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड और मेटल जो होते हैं वो उनके बीच में प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होता है, या तो वो आयन आयन होगा और या वो होगा आयन डाइपोल या इसी तरह का कोई इंट्रैक्शन होगा, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं होता। मतलब इसने कंप्लीटली इसको माना कि कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं होता, यही इंट्रैक्शन होता है। तो फिर इस थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इस थ्योरी ने कहा कि जब लिगेंड मेटल आयन के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा तो ये मेटल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, मेनली किससे इंटरेक्ट करेगा डी ऑर्बिटल के साथ में। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं 5d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, अगर मान लो मैं 3d की बात करता हूं तो उनमें 5d ऑर्बिटल dxy dyz dxz dx2 - y2 एंड dz2, ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है आइडेंटिकल है। ऐसे आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स के अगर एक सबसेल में जितने भी आइडेंटिकल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल जो हैं, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। जब ये लिगेंड मेटल की ओर आएगा तो इन डी ऑर्बिटल को वो रिपेल करेगा, रिपल्सन से या इंट्रैक्शन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी और अब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे अब वो डीजनरेट नहीं रहेंगे, उनकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होते ही हायर और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं और ये जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और यही मेन सीएफटी थ्योरी है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, मेटल है, मेटल की ओर लिगेंड आएंगे, लिगेंड जब मेटल की ओर अप्रोच करेगा तो सबसे पहले क्या होगा ये लिगेंड मेटल के अंदर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। डी ऑर्बिटल में 5 जो डी सबसेल के अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब ये लिगेंड उनकी ओर आएगा तो इनको रिपेल करेगा, जब ये और नजदीक आएगा तो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे, अब उनकी एनर्जी सेम नहीं रह पाती इसलिए वो क्या हो जाता है स्प्लिट हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ लो में चले जाते हैं। ये जो ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी की स्प्लिटिंग है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और किससे होती है ये लिगेंड से होती है। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अभी होता कैसे क्योंकि इसको एग्जांपल के बिना हम समझ नहीं सकते, ठीक है। तो पहले आप ये बता दो, ये लिख दो और उसके बाद हम देखते हैं, लिखो इसको जल्दी, कितना सा पॉइंट है।
थ्योरी बुकलेट में आप देख लेना, जो बताया उतना सही है, एक्स्ट्रा कुछ भी है नहीं। और ये भी सब एल माइनस जो है वो लिगेंड बनाया है क्या? हाँ लिगेंड है, एल लिगेंड है, ठीक है ना, कोई भी लिगेंड ले लिया हमने जो नेगेटिव चार्ज हो। तो सर फिर जो पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं वो, हाँ वो थे, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो लॉन्ग पे डोनेट कर रहा है तो लॉन्ग पे को हम ऐसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर थ्योरी में कुछ एडवांसमेंट होते रहते हैं तो कुछ और तरह के पॉइंट कंसेप्ट आ जाते हैं, तो वो आगे की बात है, बट इस थ्योरी ने मेनली इस पे फोकस किया था, ये बातें बताई। मैं अगेन कह रहा हूँ तभी तो क्वेश्चन आया था, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, एमओटी जो है वो बेस्ट थ्योरी है लेकिन वो पढ़ने में इतनी जनरल थ्योरी नहीं है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, मैथमेटिक्स आ जाती है उसमें, ऑर्बिटल का प्रेजेंटेशन आ जाता है, ये सब। आज वाला टॉपिक वैसे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा सा ना मैं आराम से इसको समझाऊंगा, बस फोकस थोड़ा ढंग से रखना क्योंकि बहुत ही सिंपल भी है लेकिन समझ में भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है ये, ठीक है ना, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर सभी को पता है, मान लो मैंने इसको माना कि मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री जो है वो मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर, बीच में अपने पास मेटल है, इधर ये इधर, या मैंने लिगेंड बनाया, लिगेंड लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये जो सारे एंगल होते हैं लिगेंड मेटल लिगेंड के वो 90 होते हैं, जैसे ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं लाइन वाले क्योंकि ये वाले 180 है लेकिन हम इसकी बात नहीं करें, ये सब 90 के, तो मैं इसको मान लेता हूं ये कितना हो गया, ये इसको मैं अगर ये 90 है ये भी 90 है तो मेरे पास एक तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई 3D में, तो इनके म्यूचुअली देखे तो एक को एक्स एक्सिस एक को वाई और एक को जेड में एज्यूम कर सकता हूं, तो ये मेरे पास एक आएगा एक्स एक्सिस, इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस और इसको ले लिया मैंने जेड एक्सिस, ठीक है ना, तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गया। अब देखो क्या है, जब मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं तो मेरे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं सबको पता है, एक तो होता है डी एक्स वाई डी y z और d x z, ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो ये जो अपने पास d ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के क्या होते हैं बीच में होते हैं, देखो इस तरह से, तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना, और ये एंगल जो होता है इनका कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास y एक्सिस और z एक्सिस का बना दिया, तो मेरे पास ये भी ऑर्बिटल ऐसे बना, ये ऑर्बिटल ऐसे बना, सिमिलरली एक्स और जेड में भी ऐसे ही होगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर हमारे पास आता है कौन सा ऑर्बिटल डी जेड ऑर्बिटल या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है वो ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पे भी क्या हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो हमारे पास होता है ये जेड एक्सिस आ गया, और ये आप पढ़ ही चुके हो डी ऑर्बिटल के किस तरह से होता है, ये रिंग आ जाती है बीच में इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं 5d ऑर्बिटल है। अच्छा ये जो हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये ऑन द एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या होता है यहां पे इन बिटवीन द एक्सिस,
ये एक्सिस के बीच में है और ये ऑन द एक्सिस है, देख लो ये जेड एक्सिस के ऊपर और ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। अब आप सोचो खुद ये आपके सामने है, जब ये लिगेंड जब किसकी ओर आएंगे, मेटल की ओर आएंगे, तो कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जब मेटल की ओर आएंगे तो बताओ क्या होगा, डी ऑर्बिटल का रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल देख लेता हूं ये किस तरह से है। मान लो मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है, ये मैंने डी ऑर्बिटल बनाया, तो जब आएगा, अच्छा यहां पे अभी जब डी जनरेट ऑर्बिटल है अपने पास डी, तो डी जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि एक एटम के चारों ओर का जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, आइसोट्रॉपिक है, मतलब यहां पे किसी तरह का कोई इंटरेक्शन जो है ऑल अराउंड सिमिलर है, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। आपने देखा होगा जब हम जीमैन इफेक्ट पढ़ते हैं, स्टार्क इफेक्ट पढ़ते हैं, तो जीमैन इफेक्ट में क्या होता है, हम एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल जेड एक्सिस के अलोंग, तो जैसे हम जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है, और इसी कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग या जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। और अभी जो एटम हमारा मेटल एटम अपने पास पड़ा है, चारों ओर हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड है, क्यों, और कुछ है ही नहीं, तो जब कोई है ही नहीं तो चारों ओर एटम का फील्ड हो गया यूनिफॉर्म, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या हुआ, डीजनरेट। अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं हुआ तब स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है, तो अब क्या हुआ, इसकी ओर कौन आ रहा है, जब डी ऑर्बिटल की ओर लिगेंड आएंगे, तो जब लिगेंड दूर है तो स्लाइटली इसकी एनर्जी क्या होती है, राइज होती है, तो ये मान लो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी, लिगेंड पास में आ रहा है तो इस तरह से क्या हुआ, अभी तक उतना प्रेशर रिपल्सन नहीं है इसलिए एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब जैसे इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी, अब लिगेंड और नियर अप्रोच कर रहे हैं, जब और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, अब और नजदीक आएंगे तो अब प्रिसाइजली वही ऑर्बिटल रिपेल होते हैं जो उनके रास्ते में आएगा, जब रास्ते में जो नहीं आएगा वो रिपेल नहीं होगा। अब रास्ते में कौन कौन आ सकता है, तो लिगेंड का जो अपने पास रास्ता दिख रहा है यहाँ पे वो क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जो जो ऑर्बिटल एक्स वाई और जेड एक्सिस पर होंगे उनका रिपल्सन होगा ज्यादा, और जो एक्स वाई जेड एक्सिस पे नहीं होंगे उनका रिपल्सन नहीं होगा। तो जिनका रिपल्सन होगा, कौन से ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, ये दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी तो बढ़ेगी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा तो बाकी वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे देखो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी कितनी के? कौन से बढ़ेगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये बीच में आ रहा है तो बीच में, तो ये बीच में जो ऑर्बिटल है तो उनका इंटरेक्शन लिगेंड के साथ नहीं होगा, तो इनकी एनर्जी तीनों की डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड इसकी कम हो जाएगी। तो देखो क्या हुआ, तो ये एनर्जी हमने बढ़ाई, ये बढ़ गया, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और यहां पे एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। और ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये हमारे पास क्या एक रेफरेंस एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। अब बताओ यहां पे ये दोनों ऑर्बिटल, क्योंकि अब क्योंकि तीन जो है इक्वली है, तो ये एनर्जी तीनों का जो इंटरेक्शन लिगेंड के साथ है वो नहीं है तीनों का, तो इन तीनों की एनर्जी जो है वो तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट रहेंगे, ये लोअर एनर्जी में आ गया, और ये दोनों की रिपल्सन हो रहा है तो ये क्या आएगा, हायर एनर्जी में। अब देखो क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना, और इसको हम लिखते हैं क्या, डेल्टा नॉट से, डेल्टा नॉट और क्या लिख सकते हैं, टेन डी क्यू, ये सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू एक तरीके से इसकी एनर्जी को सिंबोलिकली हम बता देते हैं, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है ये, ऐसे सिंबल है वो अपने पॉइंट की बात नहीं, तो ये डेल्टा नॉट है, रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो रेफरेंस एनर्जी लेवल है उससे जो एनर्जी इसकी बढ़ी है और यहां से जो एनर्जी इसकी जो कम हुई है, ठीक है ना, वो आप खुद बता दो, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा तो जितनी बढ़ेगी उतनी की उतनी क्या होगी, कम होगी। तब सोचो, अच्छा एनर्जी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ठीक है ना,
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, छह इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो डेल्टा नॉट है गैप, कितनी बड़ी और कितनी कम होगी, और नेट एनर्जी का सम करेंगे तो जीरो आना चाहिए, मतलब ये रेफरेंस लेवल आना चाहिए। तो कितना बड़ा, तो चार इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रेशियो में इंक्रीज करेंगे एनर्जी को, 0.6 डेल्टा नॉट, और क्या लिख सकते हैं, 2/5 डेल्टा नॉट। अच्छा कितनी कम करेंगे, सॉरी 3/5 डेल्टा नॉट, और कितनी कम करेंगे यहां पे, ऑब्वियसली बात है 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये करेंगे 0.4 डेल्टा नॉट और 2/5 डेल्टा नॉट। अब आप इसको देखो, बड़ी कितनी है, बड़ी कितनी है 3/5 डेल्टा नॉट, तो चार इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो तो हर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी बढ़ गई, तो चार इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई 4 × 3/5 12/5 बढ़ गई, कम होगी 6 इलेक्ट्रॉन की तो 6 × 12 12/5 क्या हो गई कम, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये डेल्टा नॉट जो होता है रेफरेंस से कितना बड़ा और कितना कम होगा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो आए हैं वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक बार वापस रिपीट करो ढंग से सुनना, देखो हो क्या रहा है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। जब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, इसमें लिगेंड मेटल लिगेंड के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, और बाकी अगर देखें तो 180 भी कर सकते हैं बट 90 डिग्री ले रहे हैं। तो 90 डिग्री और सिमेट्रिकल है तो हम उसको x, y और z एक्सिस के अलावा डिफाइन कर सकते हैं, तो ये x एक्सिस, y और ये z एक्सिस हो गया। जब हमारे पास इस तरह से x, y, z एक्सिस आया है, x, y और z, इसका मतलब लिगेंड जब अप्रोच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेटल की ओर अलोंग द एक्सिस कर रहा है। तो हमें पता है d ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के d ऑर्बिटल है जिनमें dxy, yz, xz क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सिस के बीच में, देखो दोनों एक्सिस के बीच में 45 का एंगल होता है इनका, dx²-y² आते हैं ऑन द एक्सिस आते हैं, तो यहां पे ऑन द एक्सिस आ गया। तो जब लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करेंगे तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग अगर मेटल आ रही है तो रिपल्सन भी उन्हीं ऑर्बिटल को करेगा जो इस एक्सिस के ऊपर होंगे, तो एक्सिस के ऊपर कौन है, ये दो ऑर्बिटल, तो रिपल्सन से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, और बाकी वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एनर्जी तीन ऑर्बिटल की कम हो गई, दो ऑर्बिटल की बढ़ गई। ये जो दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है तो इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, और यहां नीचे जो एनर्जी जो कम हो गई इसको बोलते हम क्या, T2g ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब ईजी ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल क्या आता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी, तीन की कम हो गई, तो ऊपर चार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमें एनर्जी ओवरऑल जो है वो बैलेंस करनी है। तो हमें पता चला कि ये जो डेल्टा नॉट इनका डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दिया 3/5 डेल्टा नॉट, और यहां पे हो गया 2/5 डेल्टा नॉट, तो एनर्जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, अब देखो ईजी जो वर्ड आता है, ईजी वर्ड जो आता है वो एक, मैंने अगेन कहा ये सिंबल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज है जो सिंबोलिकली या सिमेट्रिक के बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो ईजी का मतलब होता है डबल डी जनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स। जीरेड ऑर्बिटल बेसिकली जी वर्ड जो आता है वो जीरेड के लिए आता है। जीरेड ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो एक जगह पॉइंट आता भी है, लेकिन यहां पे मेनली ये काम आता है तो हम इसको देख लेते हैं। जीरेड ऑर्बिटल वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो सिमेट्रिकल होती है। देखो इधर इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये वाली ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां प्लस साइन, यहां प्लस साइन, मतलब वेव का साइन आइडेंटिकल आ रहा है, इधर माइनस, इधर माइनस, ये भी आइडेंटिकल आ रहा है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें इस तरह की सिमेट्री हो उसको हम बोलते हैं क्या, जीरेड ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल जो है सारे जीरेड होते हैं, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया ईजी, और नीचे जो एनर्जी कम हुई तो वो ट्रिपल डीजनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये T2g, इसलिए इनको T2g बोलते हैं। तो हाई एनर्जी वाले ईजी और लोअर एनर्जी वाले क्या हो गए, T2g ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछो। T2g वर्ड होता है वो ट्रिपल डी जनरेट है। अच्छा डी जनरेट क्यों बोला, तीनों की एनर्जी सेम है इसलिए डी जनरेट ऑर्बिटल्स है। ईजी को भी डी जनरेट क्यों बोला, कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है ना। तो ईजी ऑर्बिटल भी डी जनरेट है जो कि दो है, और T2g ऑर्बिटल भी डी जनरेट है, अच्छा साथ में जीरेट भी है, इसलिए इनका ये सिंपल ऐसे होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लिखो इसको जल्दी। अच्छा एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। अब देखो वीबीटी क्या कह रही थी, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही थी। अब ये थ्योरी क्या कर रही है, देखो ये थ्योरी क्या कर रही है, ये कह रही है
कि अगर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि डी फोर कॉन्फिगरेशन चेक करते हैं, डी फोर है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा उसके दो चांसेस है, या तो इधर ही आ जाए या इधर आए। सपोज करो हम इसको इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं तो ये एनर्जी हाई है, तो हाई एनर्जी है तो क्या करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे की ओर आएगा, नीचे आएगा तो यहां पे करेगा पेयरिंग, ये जब यहां से नीचे की ओर जंप करेगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग होती है, आपको पता है एक ऑर्बिटल दो एनर्जी की पेयरिंग होती है, तो एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, अगर कोई रिपल्सन से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, तो पेयरिंग हमेशा क्या होता है, एक तरह की एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहां पे पेयरिंग जो होता है एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नीचे आएगा तो एक एनर्जी जो है पेयरिंग की वो क्या हुई, एक एनर्जी जो पेयरिंग की है वो क्या हुई, एब्सॉर्ब। और जब यहां से यहां जंप करेगा तो डेल्टा नॉट की जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज और एब्सॉर्ब एनर्जी आपस में क्या होगी, बैलेंस। रिलीज और एब्सॉर्ब एनर्जी आपस में क्या होगी, बैलेंस। इफ थर्मोडायनेमिकली फिजिबल क्या होता है, इफ रिलीज एनर्जी इज मोर देन एब्सॉर्ब एनर्जी, इफ रिलीज एनर्जी इज मोर देन एब्सॉर्ब एनर्जी तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा और पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग ऐसा कब हो सकता है, जब ये गैप क्या हो, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, एनर्जी गैप क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे लिगेंड जो इनका एनर्जी गैप इतना सफिशियंट करवा दे कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करे तो पेयरिंग हो जाए, मतलब रिलीज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो तो पेयरिंग करवाएगा। तो ऐसे लिगेंड कौन करेगा, जो इनको रिपेल ज्यादा करेगा, रिपेल ज्यादा करेगा तो एनर्जी का गैप भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा और हमारे पास ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आई सभी को, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो क्या होता है, जब लिगेंड अप्रोच करेगी स्प्लिटिंग होगी, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, डेल्टा नॉट है ना। इलेक्ट्रॉन मान लो डी फोर कॉन्फिगरेशन ले ली तो एक इलेक्ट्रॉन दो तीन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, या तो ऊपर या नीचे, हम अभी ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेजेंगे तो ये तो हायर एनर्जी है, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे की ओर आएगा, तो जब ये नीचे की ओर जंप करेगा तो क्या होगा, डेल्टा नॉट की एनर्जी रिलीज करेगा। बताइए जब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो जब ये इधर से इधर आएगा रिलीज करेगा एनर्जी, और ये रिलीज एनर्जी और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो पेयरिंग एनर्जी एब्सॉर्ब एनर्जी होती है और वो एनर्जी है रिलीज एनर्जी। तो इफ दिस रिलीज एनर्जी इज मोर देन एब्सॉर्ब एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अगर ज्यादा हो जाए तो ये थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस क्या होता है, या एनर्जेटिकली प्रोसेस क्या हो गया, फिजिबल। जब ये एनर्जेटिकली प्रोसेस फिजिबल हो गया तो पेयरिंग होगी। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई हो। डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई क्यों होगी, अगर लिगेंड रिपेल ज्यादा करेगा, लिगेंड रिपेल ज्यादा करेगा तो वो लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो लिगेंड इतना रिपेल नहीं करता तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, कम। तो जो रिलीज एनर्जी होगी वो एब्सॉर्ब से क्या होगी, कम होगी, और एब्सॉर्ब से कम होगी तो क्या होगा, यहां पे पेयरिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेगा, बस सीधी सी बात है, और वो लिगेंड हो जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया लेते हैं कोबाल्ट प्लस 3 के साथ, तो कोबाल्ट प्लस 3 के साथ अमोनिया अगर ले लें, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, कोबाल्ट प्लस 3 और अमोनिया का लिगेंड, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इससे बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। प्लस 3 तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट Be6 होता है, और अब देखो क्या होता है, यहां पर हमने स्प्लिटिंग कर दी इसकी, ये हमारे पास Eg ऑर्बिटल और यहां पर T2g ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, अब ये जो गैप है ना, ये है डेल्टा नॉट, ये जो वैल्यू होती है अमोनिया की पेरी, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसकी डेल्टा नॉट इतनी सफिशिएंट होती है कि वो पेरी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा। आरी बात समझ में, तो ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे चले गए, और इसलिए हमारे पास ऐसा हो गया। लेकिन अगर मेरे पास एग्जाम्पल क्या हो जाता, COF6 का, तो F6 वाला क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां पे 1, 2, 3 फिर 4, 5 और फिर 1 इधर आता, तो वो क्यों, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवा सकता था। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब बात आती समझ में, अरे समझ में आई सभी को, सर अभी तो हमने कहा था कि बाउंड्री नहीं होती स्ट्रॉन्ग फील्ड, जोर से बोलो, आपने कहा था ना कि बाउंड्री नहीं होती स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, पता नहीं चलेगा, वो तो बीबीटी कह रहा है ना बेटा,
बीबीटी में यही तो प्रॉब्लम थी, बीबीटी ये कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड को वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा था, बट ये कर रहा है, ये कह रहा है अगर डेल्टा नॉट इतनी हुई तो वो पेयरिंग करवा देगा, और अगर डेल्टा नॉट कम हुई तो पेयरिंग नहीं होगी। मतलब तो एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है और वीक फील्ड लिगेंड कौन है, और इसी बेसिस के ऊपर इसने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जो मैंने प्रीवियसली लिखवाई थी, लेकिन वो मैंने कहा भी था उस समय वो सीएफटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए थोड़ा आइडिया चाहिए, इसलिए मैंने वो बताया। ठीक है सर, आपको पता नहीं चल रहा है कि डेल्टा नॉट अभी ज्यादा है अभी कम हुई? हाँ, वो प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने जो बनाई है ना, वो एक ऑलमोस्ट एक अरेंजमेंट है लिगेंड की स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। सबके लिए फिट नहीं बैठता, कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन आते हैं, जैसे मैंने कहा ही था हम अमोनिया तक वाले को तो मानते हैं क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसके बाद वाले को मानते हैं वीक फील्ड, लेकिन कोबाल्ट प्लस सी में ऑक्सीडेट के साथ क्या था, ऑक्सीडेट स्ट्रॉन्ग फील्ड का रोल प्ले कर रहा था। तो डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर और परफेक्ट मार्किंग लाइन नहीं है कि बस ये यहां से ये स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो वेरी कर सकता है, लेकिन 4D और 5D सीरीज में मैंने कहा था लिगेंड किसका रोल प्ले करते हैं, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड का, तो इसलिए वहां पे हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड मानते हुए करना है। लेकिन 3D और हमारे सिलेबस में मेनली 3D सीरीज ही है, उनके क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। और कोई डाउट इसमें, इसको लिखो जल्दी। सर ये जो आपने स्टैटिक में डी ऑर्बिटल बनाया ना, हाँ, सबसे पहले और ये जो T2G है इनकी एनर्जी बराबर है कि स्टार्टिंग वाले डी नहीं, T2 इसके अंदर T2G के तीनों की एनर्जी बराबर है और EG की दोनों की स्टार्टिंग में सबकी एनर्जी बराबर है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो फील्ड है ये वाला फील्ड है, इसको हम कौन सा फील्ड बोलते बताओ, ये हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक फील्ड है, और यहां से यहां तक हम आ गए, इसको हम बोलते हैं कौन सा फील्ड, लिगेंड फील्ड। तो ये लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये तो फील्ड हो गया आइसोट्रॉपिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड फील्ड, ये ध्यान रखना।